क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आंकिक सवाल हैं। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। इसका हल है, ट्रक का प्रारंभिक वेग u = 0, तय की गई दूरी s = 400 मीटर, लिया गया समय t = 20 सेकंड, त्वरण a = ज्ञात करना है a गति के द्वितीय समीकरण से s = ut + 1/2 at². एस का वैल्यू 400, u0 t 20 + 1/2 ए ज्ञात करना है, 20 का स्क्वायर 400 = 0 + 1/2 a × 400। 2 से ये 200 बार कट गया और 200 a = 400, a = 400/200, 2 बार कट गया, a = 2 m/s². ट्रक पर लगाया गया बल F = ma, F = m कितना? इसका 7 टन है तो 7000 किलोग्राम गुणा 2 = 14000 न्यूटन। चूंकि 1 टन = 1000 किलोग्राम। आंसर नंबर 2, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 m/s के वेग से झील ग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 m/s के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करके करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच
लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। हल द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 0, तय की गई दूरी s बराबर 50 मीटर। गति के तीसरे समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मान रख दीजिए यू का मान 20 मीटर प्रति सेकंड, 2 × a × 50, 400 + 100a और v बराबर 0, या 100a − 100a = 400, या a = −400/100, a = −4 m/s² मंदन हो रहा है। त्वरण का मान मंदन है, नकारात्मक है, इसलिए बर्फ व पत्थर के बीच लगा घर्षण बल F = ma, m = −4/−4 N। आंसर 3। एक गाड़ी का द्रव्यमान1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 m/s² के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी व सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। इसके लिए हमें हल, गाड़ी का द्रव्यमान m = 1500 किलोग्राम, त्वरण a = −1.7 m/s², गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला
बल एफ बराबर एम ए बराबर 1500 गुणा माइनस 1.7 बराबर माइनस 2550 न्यूटन। आंसर 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करो। वस्तु पर आरोपित बल की भी गणना करो। इसमें दो चीज निकाल ली हैं, आरोपित बल और पहला और बाद का संवेग। इसके लिए हल प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड, समय t बराबर 6 सेकंड, वस्तु का आरंभिक संवेग P1 बराबर MU 100 गुणा 5 बराबर 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का अंतिम संवेग P2 बराबर MV 100 गुणा 8 बराबर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण A बराबर वी माइनस यू बटे टी, वी हमारा 8 है, यू 5 बटे टी 6 बराबर 3/6 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया हमारा। आरोपित बल एफ बराबर F बराबर एम ए से M 100 किलोग्राम, A 0.5 बराबर 50 न्यूटन। आंसर 5। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई
1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई कार 1 पेड़ से टकराकर 5 सेकंड में रुक जाती है। कार द्वारा पेड़ पर कितना बल लगाया गया? हल इसका, कार का द्रव्यमान m बराबर 1000 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसके मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 45 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड बराबर 12.5 मीटर प्रति सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड, अंतिम वेग वी बराबर 0, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, 0 माइनस 12.5/5 बराबर -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार द्वारा पेड़ पर लगाया गया बल F बराबर एम ए से, F बराबर 1000 गुणा -2.5 बराबर -2500 न्यूटन। आंसर।